तो आज हम बात करेंगे VVMI पर प्रोग्रामिंग में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यूज करते हैं इफ कंडीशंस को एंड लूप को आज हम आपके साथ करने वाले हैं। तो हमने कुछ डेटा यहाँ पे मान लीजिए नंबर डाला हुआ है, अब इसी नंबर के ऊपर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इफ कंडीशंस की। तो चलिए हम इसको डुअल विंडो कर लेते हैं, डेवलपर इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहां पे अब यहां हम बात कर रहे हैं सिंपल सी कि जो हमारे पास सेल्स फिगर है मुझे इस पे इंसेंटिव देना है और जिसने ग्रेटर देन 60 सेल किया है उसको हमें 500 का इंसेंटिव देना है बी कॉलम में। हालांकि इसके लिए हम इफ का फॉर्मूला आसानी से लगा लेते हैं लेकिन इसको वीवीए के थ्रू कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं और यहाँ पे इफ अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहां पे लिखते हैं कि इफ रेंज बी ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 60 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। तो हमने सिंपली यहां पे लिख दिया कि रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 60 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 हमने सिंपली यहां पे लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो सिर्फ हमारा यहां बी टू पे वैल्यू नहीं है और मान लीजिए करके डेटे में यहां पे कर देता हूं 65। अब देखिए ये आ जाएगी लेकिन सिर्फ बी टू ही आया ना, बाकी कैसे आएगा। तो मुझे क्या इस कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 2 के जगह पे 3 के जगह पे 4 5 और इस तरह से 3 4 5 करना होगा? जी नहीं, हम इसको लूप में डाल देंगे। तो हमने देखा कि हमारा टोटल 24 है, हालांकि इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि 4 I इक्वल टू I के जगह पे एक्स वाई जेड अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 to 24। अब क्या होगा कि इस कोड को वो 24 बार रन करेगा, इस कोड को 24 बार रन करेगा। लेकिन रीजन क्या है, फिर भी हर बार तो A2 को ही चेक करेगा ना, क्योंकि A जो हमने A2 दिया हुआ है A इंक्रीज तो होने वाला नहीं है, फिक्स है। देखिए मुझे इसके जगह पे 2 3 4 5 हर पर बढ़ाना है तो I क्या नाम क्या है, या फिर आप एक ग्रेवल भी ले सकते हो कि dim R as a integer और यहां R equal to R plus 1 कर दीजिए और जहां जहां 2 लिखा हुआ है उसके जगह पे R को concatenate कर दीजिए। हालांकि ये तरीका गलत है लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, अब चलिए इसको एफर्ट करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले चला, अब चलने के बाद आई बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, जैसे ही आई चला आई इक्वल टू 1 हो गया। अब आर क्या है जो कि 0 है, इस पे एक ऐड कर दिया तो आर का मान क्या हो गया 1, राइट। अब ए के साथ 1 यहां ऐड हुआ, अब इसने हेडिंग को भी चेक कर लिया जो कि गलत था। चेक करने के बाद इसने पाया कि रिजल्ट है, इसने 500 कर दिया क्योंकि टेक्स्ट को है तो टेक्स्ट नंबर से बड़ा ही होता है, इसलिए इसने 500 दे दिया। नेक्स्ट टाइम इसने चेक किया, अब देखिए आई 2 हो गया और आर भी 2 हुआ क्योंकि पहले से वो 1 था, 1 में एक ऐड हो गया तो ये आ गया, फिर नेक्स्ट आई। ओके सर, अच्छा एक मिनट दीजिएगा,
तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आई को टू से शुरू करेंगे क्योंकि हमारा टू से डेटा है, इसलिए हम टू से शुरू करते हैं। और यहाँ पे आई एन सी वापस मैं लिख देता हूँ। और इस बार आर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे थे कि आई भी वन टू थ्री हो ही रहा था, तो हम यहाँ से आर को हटा देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आई को दे देते हैं। सर म्यूट हटा देंगे, हटा देंगे जी सर। अब देखिए आपका कोड परफेक्टली रन कर रहा है। अब यहाँ पे सुधाकर जी बोलिए। म्यूट मुझे सुना नहीं दे रहा कुछ। नहीं नहीं सर, एक्चुअली शायद कॉल पे हैं। अभी आवाज आ रही सर आपको मेरी? हाँ सही है, अभी आवाज। ओके सर, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने इसमें कुछ चेंजिंग किए। सबसे पहले चेंजिंग ये क्या किया कि जो ये जो टू है वन है ना, हमको इसको टू से शुरू करना है क्योंकि हमारा आपने देखा कि यहाँ टू से शुरू हो रहा है ना, वन करने पर इसको चेक करके यहाँ 500 दे दे रहा था, इसलिए हमने टू से शुरू किया यहाँ पे। दूसरा आपका जो आई है ये भी आपका 1 2 3 4 5 हो ही रहा था ना, नंबर दे ही रहा था, और आई भी एक वेरिएबल ही है जैसे कि आर है, तो हमें ये इंटीजर को डिफाइन करने का और ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ आर दिए हैं वहीं पे आई दे देंगे। ओके सर, सही है सर। अब इसको रन कीजिए, मैं डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ और माइक्रोज में जा कर भी रन कर सकता हूँ। रिजल्ट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे देन फिर एंड इफ लगा रहता है, बट मैंने कुछ ऐसा लगाया नहीं, एंड इफ वगैरह तो लगाया नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट। अगर इसमें रिजल्ट हमारा चेंज होता है, रिजल्ट चेंज होता है कि भाई लेस देन 60 वाले को हम 100 का इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ी सी कोड चेंज करनी होगी। मुझे इसको एंटर प्रेस करना होगा और ए ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा इसको, और फिर यहाँ पे हमें देना होगा एल्स, और फिर इसको हम यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पे देंगे एंड इफ, और 500 की जगह पे देंगे 100, और एक नाम के दो मैक्रो नहीं हो सकते इसलिए हमने टू दे दिया। तो एल्स का मतलब सर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं अपन, एल्स लगा के मल्टी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखिए क्या होता है कि अब ऐसा करने से क्या हुआ कि आप मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हो कि आपको यहाँ पे कलर रेंज को क्या करना है, वैल्यू देनी है, फिर उसी को कलर भी कर देना है आपको। आप चाहते हैं कि रेंज A1 को भी हम यहाँ डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड कर दिया, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया आपको सर? सर तो ऐसे आप एल्स पे भी मल्टीपल दे सकते हो और इस पे भी मल्टीपल दे सकते हो। रिजल्ट कंडीशन तो अभी फिलहाल हमने एक ही दिया हुआ है, मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं आप। और दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपको मल्टीपल कंडीशन देना है, इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा अगर ओनली 100 है तो उसको कलर दे दो। हाँ, जो करना चाहे कर सकते हैं, एल्स के बीच में जो लाइन देना चाहते हो दे सकते हो। अब एक जगह पे बी कर दीजिए, यहाँ पे बी वाला कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं, बी वाला ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अभी समझो रिजल्ट मेरा 100 आ रहा है तो 100 के ही सेल कलर होने चाहिए।
हाँ तो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, देखिए ठीक है ना। ओके ओके अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मुझे एल्स देना ही होगा, राइट सर। मैं एल्स वाला पार्ट हटा देता हूँ, मुझे क्या करना था कि मुझे रिजल्ट देना था और साथ में जिसको रिजल्ट दिया था उसको कलर करना था। एल्स में हमारा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं यहां से नो नो फिल कर देता हूँ। हाँ एल्स मेरा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहां आप देख सकते हैं कि हमने एंड इफ कर दिया, ठीक है सर। अच्छा तो यहां पे इफ कंडीशन दिया, यहां पे हमने रेंज लगाया, देन यहां पे हमने वैल्यू अपनी वैल्यू दी, फिर हमने अपना कलर किया और यहां पे एंड इफ। अब इसको रन कर, यहाँ पे एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थ्री कर दिया और थ्री करके इसको कर दिया रन। ओके अब इसमें अगला ऑप्शन एक हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मुझे बिटवीन करना है, जैसे 52 60 को, 52 80 को हमें 800 का इंसेंटिव देना है, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, इसी तरह से यहां भी करेंगे। इसी मैक्रो को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 4 और यहाँ I1 to 24 है ना, सही रहेगा। यहाँ कंडीशंस में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कंडीशन चेंज कर। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम वेरिएबल में रख लें तो सही रहेगा। यहाँ पे दो वेरिएबल दे रहे हैं कि डिम आर कॉमा एस एज ए इंटीजर, और एस यहाँ पे हमने 4 लगा, नहीं वेरिएबल को कभी भी, किसमें नहीं रखिएगा, लूप में। एक वेरिएबल एक ही बार होता है, तो लूप से हमेशा बाहर होना चाहिए वेरिएबल। असाइन यहाँ करेंगे इसमें कि ए इक्वल टू रेंज ए के साथ हमारा आई कंबाइन है डॉट वैल्यू, सेट सेट करके भी असाइन करते ना सर, क्या सेट 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 करके भी तो असाइन रेंज करते पूरी ना सर। करते हैं ना, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना भाई, हम रेंज थोड़ी स्टोर कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि A1 की जो वैल्यू, A2 की जो वैल्यू है 65 A स्टोर हो जाए, और यहाँ इंटीजर है ना सर हमारा, रेंज थोड़ी है। अब यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एस इज लेस देन इक्वल टू 80, देन यहां पर हमने कर दिया कि आर आर इक्वल टू 800। अगर एल्स है एल्स ही दे दीजिए कि आर इक्वल टू 100, नहीं है तो कोई बात नहीं एंड इफ, और उसके बाद इफ से बाहर निकल जाइए, एंड इफ हो गया। तो अब क्या है कि हमें इसके ऊपर वैल्यू देनी तो है, तो ये आर जो रिजल्ट किया एक गलत किया, इसमें गलती क्या होगी बताता हूँ आपको। आपने एंडिफ से बाहर लिया और बोला कि रेंज बी के साथ आई को कंबाइन करो डॉट वैल्यू, राइट सर, इक्वल टू आर। अब चलिए मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद इसको रन करता हूँ, फिर देखिए क्या गलती होगी। एफर्ट फेस कर रहा हूँ वन बाई वन रन करने के लिए। तो आई इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2 पे आ गई, एस पे 65 आ गई, इसने चेक किया कि हाँ 50 से बड़ा और 80 से छोटा है, इसने आर पे 800 कर दिया। आर पे क्या है, 800 है। अब आया इसने यहाँ पे 800 दे दिया, नेक्स्ट टाइम चेक किया कंडीशन नहीं है, तो आर तो ये देखिए वैल्यू स्टोर नहीं किया, लेकिन पहले से आर पे 800 स्टोर है ना, इससे पहले जो 65 को चेक करके जो 800 आर पे स्टोर किया था वो तो हो स्टोर ही है ना सर, वो खत्म तो नहीं हुआ है। यस सर। तो ये देखिएगा 46 में भी आपको 800 दे देगा, यहाँ तो हालांकि चेंज हुआ इसमें एल्स लगा, इसलिए अगर एल्स नहीं लगा लगा रहता तो आपको दे देता सर। चलिए इस बार हम एल्स हटा देते हैं, एल्स हटा दिए। अब देखिए आर आर पे 100 है, अब देखिए 84 में भी 8 आ गया आपका 100, आ गया ना सर, क्योंकि नहीं आना चाहिए था ना, ब्लैंक होना चाहिए था।
पहले से वो 100 को यहाँ पे डाल रखा है, इसलिए सर। ये देखिए यहाँ पे 51 पे आ गया 800, अब 17 पे भी 800 आएगा, देखिएगा आ गया सर, क्योंकि पहले से आर स्टोर करना है। तो जब ऐसे काम करेंगे तो आप वैल्यू को स्टोर करने के बाद आर को जीरो कर दीजिए, ताकि आर क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, डिलीट हो जाए, पहली वैल्यू को डिलीट कर दे। तो वेरिएबल इस्तेमाल करते समय आप इसका ध्यान जरूर रखिए। तो इसमें एंड का इस्तेमाल करना आ गया आपको, कि एंड कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए इसमें अगला एग्जांपल हम देते हैं कि हमारे पास एक अलग है, मतलब कि वीकेंड है, वीक है, वीक वीक नेम है, सैटरडे संडे। अब मुझे यहां पे क्या शो करना है, ऑफिस शो करना है, कि मेरा ऑफिस क्या है। ठीक है, तो सैटरडे संडे अगर होगा, सैटरडे और संडे होगा, तो यहां पे आएगा ऑफ, वीक ऑफ या ऑफ। मंडे टू फ्राइडे में क्या होगा, ओपन, सिंपल। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 5 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां देते हैं इफ, नहीं इफ नहीं होगा, इसे पहले लूप लगाना होगा ना, लूप आई इक्वल चले 2 2। अब इस बार ऑटोमेट कर देते हैं हम, यहाँ पे 2 2, हमने यहाँ पे दे दिया रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट रो नेक्स्ट आई। अब यहां पे हम यहां वेरिएबल ले सकते हैं कि डिम डी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि सैटरडे संडे स्ट्रिंग आएगा, इसलिए यहां पे लिखते हैं डी इक्वल टू रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू, और फिर यहां पे देंगे कंडीशन की इफ डी इक्वल टू सैटरडे, और यहां पे और देंगे दूसरी कंडीशन के लिए, क्योंकि एक ही सेल पे सैटरडे एंड संडे होने की चांसेस है ही नहीं, संडे। और यस यहां पे सर, देखिएगा कि यहां पे केस सेंसिटिव होता है सर, देन रेंज बी के साथ हमने आई लिया डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया ऑफ, और इसमें एल्स भी है तो यहां पे एल्स, और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और ऑफ के जगह पे कर देते हैं ओपन, और जो इफ शुरू हुआ है तो एंड तो होगा ही, यहां पे एंड, राइट सर। अब यस यहां पे सर, इसको हमने रन सर, रन किया, लेकिन अगर दिक्कत कब होगी, कि अगर आपका केस चेंज नहीं होगा, मतलब कि सैटरडे इस तरह से स्मॉल में है, संडे इस तरह से स्मॉल में है, अब मैं इसको रन करूंगा ना सर, तो ये दोनों को ओपन दिखा देगा, ऑफ नहीं दिखाएगा, क्योंकि केस आपका वीवीए के अंदर केस सेंसिटिव होता है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए सिंपल है कि मुझे इसको लेने से पहले यू केस का फॉर्मूला लगा देना है, मतलब कि अपर केस में कन्वर्ट कर दो, कि वैल्यू आपकी जैसी डली हो उसके मतलब नहीं है, जब मैं लेके आऊंगा तो ये अपर केस में होगा, और जहां हमने सैटरडे संडे लिखा है इसको हम भी अपर केस में लिख देते हैं, कि सैटरडे संडे। अब आपके केस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि आप लूप कैसे लगाएंगे, आप इफ कैसे लगाएंगे, एल्स कैसे लगाएंगे, एंड इफ का क्या रोल है, इसके साथ आपने जाना कि एंड इफ जरूरी नहीं, एल्स जरूरी है या नहीं है, इसको जाना आपने, और साथ में आपने जाना मल्टीपल कंडीशंस के लिए एंड और का क्या इस्तेमाल करते हैं, और लूप के समय आप वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जाना।
अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में मैं आपको थोड़ी देर में एक आर्टिकल दूंगा, उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, ठीक है? इस कंडीशन के जो आर्टिकल है उसको पढ़ लीजिए, फिर अगली वीडियोज में हम इससे आगे चीजों पर डिस्कस करें।